कि आपसे ही बार बार ऐसी शटल छूटती है, ओपोनेंट आपको अटैक करता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। सबसे पहली चीज, आप रैकेट बहुत ज्यादा पीछे रख लेते हो या बहुत ज्यादा आगे या ऊपर, रैकेट हमेशा आपके फ्रंट में रहेगा ऐसे, और आपके जो फीट्स हैं ये हमेशा रेडी पोजिशन में होंगे, थोड़े से टिल्टेड खड़े होना ताकि आप ऐसे भी निकाल लो ऐसे भी निकाल लो। ये तो हुआ डबल्स का, और सिंगल्स में भी सेम ऐसी है, बस आपको थोड़ा एक्टिव ज्यादा रहना पड़ता है क्योंकि आपको कोर्ट ज्यादा कवर करना है, और ग्रिप थोड़ी पीछे से पकड़ते हैं सिंगल्स में। डबल्स में हमेशा आगे से पकड़ी जाती है क्योंकि रैकेट तेज चलाना होता है, और सिंगल्स में पीछे से पकड़ी जाती है ताकि आप कोर्ट ज्यादा कवर कर पाओ ऐसे। जब रैकेट फ्रंट में रखोगे तो देखो कैसी डिफेंस होगा, आपकी स्पीड, आप पावर लगा पाओगे अच्छे से, डायरेक्शन दे पाओगे शटल को, और हमेशा रेडी रहो, लेफ्ट रेडी, कोई बात नहीं, वो हमारे फीडर से गलती हो गई, एक और ट्राई, लेफ्ट रेडी। देख रहे हो उसने वहां से अटैक करा, तो आप क्रॉस भी कर सकते हो, स्ट्रेट अटैक आ रहा है तो आप तब भी क्रॉस कर सकते हो, मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे। अब भाई हमारे स्ट्रेट मारेंगे, जरा ऊपर आ गया था, लेफ्ट करके रैकेट आगे रेडी, उधर प्लेस, रैकेट आगे रेडी रहेगा तो आप कहीं भी प्लेस कर सकते हो, ऐसे सिंगल्स में रैकेट आगे ही रखना है। ये चीजें फॉलो करो, फिर देखना कैसे एकदम से आपका डिफेंस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, और आप कोई सी भी शटल ऐसे प्यार से उठा लोगे जैसे मैं उठाता हूँ। रेडी डन। फॉर मोर टिप्स फॉलो मी, सब्सक्राइब मी, फॉलो माई इंस्टाग्राम चैनल।